चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खंडवा से राज नारायण सिंह अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं जोबट की अगर बात करें तो जोबट से महेश पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोबट से महेश पटेल जो है कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने जो है अपनी फहरिस्त जारी कर दी है, जो बाकी बची सीटें थी उन पर कौन उम्मीदवार होंगे, कौन चेहरे होंगे, इसको लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खंडवा से राज नारायण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। वहीं जोबट की अगर बात करें तो महेश पटेल होंगे। और अगर बात करें रेगांव की तो यहां पर कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए आपको अब ये भी बताने हम जा रहे हैं कि कल्पना वर्मा अब इस वक्त हमारे साथ है। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जो हैं वो कल्पना वर्मा के साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए वहीं सीधे चलते हैं और जानते हैं कि कल्पना वर्मा की क्या कुछ तैयारी है। सूरज, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आप बात अगर कर रहे हैं कल्पना वर्मा से तो उनसे जानिए कि किस तरह की उनकी तैयारी है और कांग्रेस की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतर पाएंगे। देखिए बिल्कुल, कल्पना वर्मा अब रेगांव से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और अभी कुछ देर पहले ही वो पीसीसी पहुंची हैं, जहां पर पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बी फॉर्म उनको दिया गया है। ये कल्पना वर्मा का बी फॉर्म है, उनसे बात भी करेंगे। कल्पना जी, टिकट मिल गया है, अब जीत को क्या रणनीति रहेगी? हम लोग की रणनीति महंगाई जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से हमारे 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं धरना पर, उनकी आज तक एक भी बार सुनवाई नहीं हुई है। और जो बिजली पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं वहाँ पर हमारे मुद्दे रहेंगे। और चूंकि रेगांव विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ। 2018 में भी आप प्रत्याशी थी, तो क्या कमी रह गई? ठीक है, इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और अभी अभी बंसल न्यूज के साथ खास बातचीत की है कल्पना वर्मा ने और उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए कि किन मुद्दों पर वो ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और अगर ये इलेक्शन जीत वो जाती हैं तो उसके बाद उनका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इलाके में काम कराने को लेकर। मुद्दे तो इतने हैं कि मैं आपको गिनाऊँ ना तो बहुत उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों पे विफल हुई है। उसमें सबसे पहला मुद्दा महंगाई, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल, सारी चीज़ें जो है वो बेकाबू है और वो सब तमाम चीज़ों का जो है भारतीय जनता पार्टी के ने की जो विफलता है उसका जवाब खंडवा लोकसभा का मतदाता देगा और ये कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी।